हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ भट मैम। आज हम फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट। अब जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ बॉडी और मास सब्सटेंस विच डिटरमाइंस वेदर इट विल गिव हीट और रिसीव हीट फ्रॉम अदर बॉडीज, कि वो हीट देगा या फिर रिसीव करेगा अदर बॉडीज से। तो अब देखते हैं हम लोग टेम्परेचर की स्केल्स क्या है। तो देखो टेम्परेचर हम मेजर किस में करते हैं, आदर फारेनहाइट में या फिर सेल्सियस में, ओके, या फिर केल्विन में या फिर रैंकिन टेम्परेचर स्केल में, ओके। तो सबसे पहले फारेनहाइट देखते हैं। सबसे पहले अब हम फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल देखते हैं। At standard atmospheric pressure of 14.7 psi, the freezing point of distilled water is designed at 32 degrees Fahrenheit. मतलब क्या, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो कि है हमारा क्या 14.7 psi पे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 32 Fahrenheit, ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 212 फ़ारेनहाइट। फॉर दी स्केल 459.7 फ़ारेनहाइट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट स्केल के लिए 459.7 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बिटवीन दिस स्पैन ऑफ आइस, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस स्केल इज डिवाइडेड इंटू इक्वल 180 फंडामेंटल डिविजन्स, वो 180 फंडामेंटल डिविजन्स में डिवाइड किए गए हुए। द स्केल इज लीनियर स्केल डिग्रीज फ़ारेनहाइट, दैट इज ऑफ इज यूज इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ब्रांचेस। ये क्या है, लीनियर स्केल है और वो मेडिकल और इंजीनियरिंग ब्रांचेस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्केल क्या है हमारा, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। इन दिस केस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर आइस टेकन इक्वल टू जीरो, दैट इज जीरो डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट जीरो फॉर दिस स्केल इज 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल जो है तो उसका हमें मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज डिस्टिल्ड आइस वाटर क्या है उसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, जीरो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, और एब्सोल्यूट जीरो स्केल क्या है सेल्सियस टेम्परेचर स्केल के लिए 273.15 डिग्री सेल्सियस। Between these two stages of 0 degree and 100 degree Celsius, the scale is divided into 100 equal parts per division. ये स्केल हमारा 100 equal parts per division में डिवाइड हुआ है, ठीक है। This scale is also linear scale and used in scientific and engineering field. ये हम scientific और engineering field में use करते हैं, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय, क्या है, फर्स्ट डिग्री फ़ारेनहाइट अगर है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और अगर डिग्री सेल्सियस है तो 5/92 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अगर फ़ारेनहाइट से कर रहे तो प्लस 32 है, अगर डिग्री सेल्सियस से कर रहे तो माइनस 32। नेक्स्ट है केल्विन टेम्परेचर स्केल। इन सच स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टेकन एज 273.15 डिग्री केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट एज 373.15 डिग्री केल्विन एंड एब्सोल्यूट जीरो स्केल इज जीरो डिग्री केल्विन। दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्केल। अब अगर हम केल्विन टेम्परेचर स्केल देख रहे हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है 273.15 डिग्री
केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 373.15 डिग्री और उसका एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट क्या है 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, दिस पैन इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 100 फंडामेंटल डिविजन्स, ये भी 100 फंडामेंटल डिविजन्स में डिवाइड किए हैं। ठीक है, द स्केल इज ऑल्सो यूज इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, इस स्केल को भी हम इंजीनियरिंग और साइंटिफिक वर्क के लिए यूज करते हैं। ओके, दिस स्केल इज डिवाइडेड इंटू 180 फंडामेंटल डिविजन्स, ये स्केल 180 फंडामेंटल डिविजन्स में डिवाइड किए गए हुए। ठीक है, उसका इंटर रिलेशन क्या रहेगा, आर इक्वल्स टू डिग्री फारेनहाइट प्लस 459.69 और आर इक्वल्स टू अगर केल्विन में करते हैं तो 9/5 डिग्री केल्विन इंटू डिग्री केल्विन। ओके,